नगर निगम का बाबू रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। कहते हैं भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, और इसका जीता जागता उदाहरण शनिवार को कानपुर नगर निगम में देखने को मिला, जहां अपर नगर आयुक्त प्रथम के PRO पद पर कार्यरत कनिष्ठ लिपिक राजेश यादव को सतर्कता विभाग द्वारा रंगे हाथ 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की विस्तार से बात करें तो विभागीय सूत्रों के अनुसार पूर्व में भी उक्त बाबू पर उद्यान विभाग में कार्यरत मौलियों से सेवानिवृत्ति के पश्चात प्राप्त होने वाले उद्यान का भुगतान कराने के एवज में भारी रकम की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत पर महापौर महोदया द्वारा उक्त लिपिक के विरुद्ध विभागीय जाँच अमल में लाने का आदेश दिया गया था, परन्तु कार्मिक विभाग के उच्चाधिकारियों से उक्त बाबू की अच्छी कैंठ होने के कारण जाँच को दबा दिया गया था। इसी क्रम में उक्त बाबू द्वारा अपनी कार्यशैली में सुधार न करते हुए पुनः जोन 2 में संविदा चालक के पद पर कार्यरत मो असलम से पूर्व में विभाग में ही कार्यरत रह चुके उसके पिता मोहम्मद इश्तियाक की ACP की फाइल स्वीकृत कराने के एवज में 30,000 रुपए की मांग की गई थी। मोहम्मद असलम द्वारा बताया गया कि इस संबंध में वह राजेश को पूर्व में ही 20,000 रुपए दे चुका था, परंतु पिछले 3 वर्ष से वह कार्य कराने तथा अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने की बात कहकर टरका रहा था। इससे हताहत होकर उसके द्वारा ये कदम उठाया गया तथा विजिलेंस विभाग में जानकारी देकर उक्त बाबू की वास्तविकता विभाग एवं जनता के सामने लाने का मन बनाया गया। विभाग से भी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होने के क्रम में उक्त बाबू के खाते में 50 या 60 लाख रुपए होने की बात सामने आई है। बताते चले पूर्व में भी उक्त बाबू राजेश यादव महिला सहकर्मियों से अभद्रता एवं अश्लील हरकतें करने के आरोपों में सवालों के घेरे में रह चुका है।